तो हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, बड़े दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं हमारी सुहानी मुलाकात लेके। तो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं इस टाइप का कुछ, ठीक है, प्लग वाला है, कभी देखा नहीं होगा आप लोगों ने। हाँ, सही से देखा भी हो। तो यार, आज हम इसको बनाने जा रहे हैं और आप बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि मेरा सेटअप है, मैं वहाँ पर नहीं था, मैं गाँव पर चला गया था इसलिए। बट मैं फिर से आ चुका हूँ और आज वीडियो आने वाली थी, आज वीडियो चुकी है, मतलब कि आने वाली नहीं है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो बस हमें ले लेना कुछ इस टाइप का पीयूसी का टुकड़ा, और आप देख सकते हो ये मेरे पुराना, मतलब कि पुराने पिन में से निकाला है, ठीक है, इस टाइप का जो अपना प्लग में लग जाए उस टाइप का, और दो वायर है छोटे से बस। अब बारी आती है सोल्डरिंग करने भी। तो यार, इसके दो पॉइंट है, वहाँ पर हम कर लेंगे सोल्डरिंग, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा कर लिया फास्ट फॉरवर्ड, साइड से आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं रियल में इसको थोड़े धीरे धीरे से कर रहा था इसलिए, ठीक। तो अभी जो मैंने सोल्डरिंग कर दी है दोनों में, कितने अच्छी तरीके से लग रहे, मतलब लग गए। और आप देख सकते हो पीवीसी को मैंने इस टाइप से काट दिया है ताकि अपना प्लग अच्छे से लग जाए और अपना जो ये लैंप है वो भी अच्छे से इसमें लग जाए। तो अभी जो है इसको मैंने लगा दिया है, अभी हम करेंगे प्लग के पिछले हिस्से में इसको शोल्डरिंग। तो यार, इधर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि अब क्या ही मैं बोलूँ, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी मेरे को। तो पहले ही वाले वायर तो अच्छे से लग गया था, बट दूसरा वाला वायर था वो थोड़ा सा मेरे को बोल रहा था कि मैं नहीं लग पाऊंगा। वीडियो को थोड़ा सा कर लिया था कट, ठीक है, क्योंकि यार थोड़ा सा पिन को भी अच्छे से पकड़ना पड़ रहा था इसलिए। तो वीडियो को मैंने कट कर लिया है और अभी आप देख सकते हो सारा सेटअप, मतलब सारे की सारी चीज़ें हो चुकी है। और अब बारी आती है इसके ऊपर टेपिंग करने की। यार, आप ग्लूगन लगा सकते हो, बट मैं टेपिंग करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें लग चुकी है। यार, टेस्टिंग के घड़ी आ चुके हैं, अब हम इसके टेस्टिंग करने वाले हैं। तो यार, मैं सोल्डरिंग आयरन के पिन निकाल देता हूँ और अभी जो इसको लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 ओके, अब देख सकते हो यार कितनी अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है। वैसे यार होना चाहिए, क्योंकि यार इसमें क्या था, ओनली वन वायर लगाना था इसलिए। तो यार, ये है अपने प्लग में लगाने के लिए, आप नाइट लैम्प की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, बट उसका उजाला थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।